हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया सुफियान विद अ न्यू टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ स्ट्रेटेजी, टेक्निक्स और मेथड्स का जो डिफरेंस है वो हमारे साथ शेयर कर दें। तो आज ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। सबसे पहले हमें यहाँ पर रखनी होगी जी एक एजुकेशनल प्रॉब्लम, और यहाँ पर एजुकेशनल प्रॉब्लम जो मैंने मेंशन की है वो है जी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको एनहेंस करना है, उसको इम्प्रूव करना है। ये है हमारे पास एक एजुकेशनल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए अभी यहाँ पर टीचर करेगा वर्किंग। वर्किंग करने के लिए सबसे पहले टीचर ने क्या बनानी है जी स्ट्रेटजीज, उसके बाद टीचर बनाएगा टेक्निक्स, और लास्ट में टीचर यहाँ पर सजेस्ट करेगा एक ऐसा मेथड के स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स पर काम किया जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या हैं? स्ट्रेटजीज क्या है जी, मेकिंग अ प्लान। एक प्लान बनाता है टीचर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अपने लेक्चर से रिलेटेड एक वो प्लान बनाता है। प्लान में क्या शामिल है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक विद एग्जांपल्स, यानी कि इंट्रोडक्शन बड़ा हाईली होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सुने बगैर रह ही ना सके। एग्जाम्पल्स दें, एग्जाम्पल्स को ऐसे रिलेट करें कि स्टूडेंट्स अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ उसको रख सकें कि हाँ ये हमारे साथ भी कभी हुआ था, या ये कभी किसी और के साथ भी हुआ था, यानी कि उसको मौजूदा टाइम पीरियड के साथ उन एग्जाम्पल्स को कोरिलेट कर दें टीचर। फिर उसके लिए टीचर पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट इवेंट्स का भी सहारा ले सकता है। बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं लाइफ में, और बहुत सारी नेशनली और इंटरनेशनली हैपनिंग्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, तो टीचर्स उन इवेंट्स का सहारा ले सकते हैं अपने टॉपिक को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद बारी आ जाती है जी यूज़ ऑफ एविएट्स। एविएट्स का जो इस्तेमाल है वो एक लेक्चर को, एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देते हैं, तो प्लान में एविएट्स का यूज़ भी होना चाहिए। अब ये डिजिटल एविएट्स भी हो सकते हैं, फिज़िकल एविएट्स भी हो सकते हैं, अब ये टीचर पर डिपेंड करता है, और स्कूल की विजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि एक स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट कैसा जो है वो फैसिलिटेट करता है टीचर को और स्टूडेंट्स को। इसके बाद में प्लानिंग में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शामिल है वो है जी क्वेश्चन आंसर सेशन, इसको डिस्कशन सेशन भी कह सकते हैं। लेक्चर के एंड होने पर, टॉपिक पढ़ाने के बाद एंड में टीचर ने जी क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखना है। टाइम अपनी ऐसी मैनेज करनी है कि क्वेश्चन आंसर का सेशन पॉसिबली हो सके। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, और सेकंड चीज़ क्या होगी कि क्वेश्चंस फ्रॉम टीचर, अब जो स्टूडेंट है वो टीचर से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर को ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि जो मैंने सारा का सारा प्लान किया है वो किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है, बच्चों को कितनी समझ आई है, उसकी लर्निंग किस हद तक पॉसिबल हुई है। क्वेश्चन फ्रॉम टीचर, जब स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो भी टीचर इस चीज़ को जान पाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने टॉपिक को किस हद तक समझ लिया है। स्टूडेंट का जब डिस्कशन करेंगे टीचर के साथ सेम टॉपिक पर, तो टीचर स्टूडेंट का जो डिस्कशन है उसमें स्टूडेंट की नॉलेज के बारे में टीचर बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि स्टूडेंट ने किस हद तक लर्निंग की है। अब जो स्ट्रेटजीज बनानी है, स्ट्रेटजीज के लिए हमें टेक्निक्स चाहिए। टेक्निक्स ऐसी ही हमने बनानी है कि इन स्ट्रेटजीज पे वर्किंग हो सके। स्ट्रेटजीज के लिए, सॉरी, स्ट्रेटजीज को कामयाब बनाने के लिए क्या करना है हमने, टीचर ने क्या करना है स्ट्रेटजीज को कामयाब करने के लिए, टीचर ने टेक्निक्स बनानी है। टाइम को मैनेज करना है, सबसे पहले तो टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि इन सब स्ट्रेटजीज पे वर्किंग हो सके, जो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर होमवर्क, अपने टॉपिक से रिलेटेड टीचर ने प्रॉपर होमवर्क करके आना है। जो जो टीचर ने प्लान किया हुआ है उससे रिलेटेड टीचर का प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एविएट्स। अगर टीचर ने यहाँ पर एविएट्स यूज करने हैं और उसके प्लान में शामिल है तो प्रेजेंस ऑफ एविएट होना लाजिम है, यानी कि फिर टीचर का होमवर्क कंप्लीट हुआ हो, टीचर ने अपने एविएट्स को वहाँ पर मेक श्योर करना है कि ड्यूरिंग लेक्चर वो एविएट्स वहाँ पर मौजूद हैं। उससे क्या होगा कि वर्किंग शुरू हो जाएगी। नंबर फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब टीचर ने जो भी टॉपिक करवाना है उससे रिलेटेड टीचर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो टीचर ने जितने पॉइंट्स जो प्लान में किए हैं इनके बारे में भी टीचर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, आने वाले फ्यूचर में उनके क्या स्टेप्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टीचर के पास मौजूद होनी चाहिए। ग्रिप ऑन कंटेंट, अब कंटेंट पे ऐसी ग्रिप हो कि स्टूडेंट
कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर सकता है, देखिए साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टीचर कोई स्टूडेंट को है कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टीचर से कर सकता है। तो टीचर के पास उसकी इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि अगर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन टीचर से करे तो टीचर के पास उसका आंसर मौजूद हो, टीचर के पास उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री मौजूद हो। लिहाजा इसीलिए ये पॉइंट यहाँ रखा कि ग्रिप ऑन कंटेंट, ताकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो हल हो सकें। टीचर को मालूम होना चाहिए कि बच्चे मुझसे कंटेंट से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, लिहाजा टीचर ने प्रॉपर इसके बारे में काम किया होगा। अब प्लान बना लिया, ठीक है, इनके स्ट्रेटजीज हमारी ये बना ली, अपने प्रॉब्लम को देखकर हमने प्लान बनाया, इस प्रॉब्लम के लिए हमने ये प्लान करना है ताकि प्रॉब्लम को हल किया जा सके। अब प्रॉब्लम को यानी कि सॉरी प्लान को फुलफिल करने के लिए, यानी कि ये प्लान मेरा कामयाब हो सके, उसके लिए हमें टेक्निक्स चाहिए। उसके लिए मैंने ये टेक्निक्स बना ली, स्ट्रेटजीज के लिए मैंने टेक्निक्स बना ली। अब स्ट्रेटजी और टेक्निक्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मेथड चाहिए, एक मुझे यहाँ पर तरीका एक कार चाहिए। मैंने यहाँ पे उर्दू में इसका कुछ लिखा है, आपके साथ शेयर करती हूँ। मेथड एक ऐसा तरीका कार है जिसकी मदद से टेक्निक्स पर अमल करते हुए स्ट्रेटजीज को कामयाब बनाना है। टेक्निक्स पर अमल करना है और स्ट्रेटजी को यानी कि प्लान को कामयाब बनाना है, ताकि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम हमने रखा है उसका सोल्यूशन किया जा सके। ठीक है जी, काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। हमने मेथड, अच्छा मेथड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अच्छा जी मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स शामिल हैं, यहाँ पर है जी लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रिपोर्टिंग मेथड, एक्टिविटी मेथड, असाइनमेंट मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और बहुत सारे मेथड्स, इन्वेस्टिगेटरी मेथड है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड मेथड है, डेमोंस्ट्रेशन मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम काम करें तो टेक्निक्स पर अमल करते हुए हम स्ट्रेटजीज़ को कामयाब बना सकते हैं और किसी भी जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।